हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कल बोला था आपको कि कल से शुरू करने वाले हैं हम भारतीय न्याय संहिता 2023 पर लेक्चर सीरीज, और आज मैं आपके साथ हाजिर हूं। इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें बोलना चाहूंगा। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 रियलिटी बन गया है। आज भी अगर YouTube पर देखते हैं तो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि पिछले सेक्शन के अंदर ये था, अब इसके अंदर ये हो गया है। आप इसको रियलिटी मानिए, एक्ट आ गया है, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन पास कर दिया है, बस डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन फिक्स करने की बात है, वो किसी भी दिन हो जाएगी। आपको जुडिशरी के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, APU एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, को इन एग्जाम्स में जो भी अब फ्यूचर में आप लोगों के एग्जाम होंगे उसमें आपसे कोई भी ये नहीं पूछने वाला कि मर्डर का पुराने लॉ के अंदर क्या सेक्शन था, या फिर अबेटमेंट का पुराने लॉ के अंदर क्या सेक्शन नंबर था, कोई नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा आपसे नए लॉ के बारे में पूछेगा। तो अपना समय बर्बाद मत करिए, एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस। दी गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द लॉ, नाउ इट इज एक्ट, वन थिंग इज रिमेनिंग, दैट इज डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। एंड आई एम डैम श्योर, होपफुली बिफोर दी 1 जनवरी 2024 दिस लॉ विल बी इंप्लीमेंटेड। सो आपके जितने भी नए एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, APU एग्जामिनेशन हो, और एनी अदर एग्जामिनेशन, वट एवर यू आर अपियरिंग, दिस लॉ विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। मोर ओवर, अगर आप लॉ स्टूडेंट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के हैं तो आपको तो ये जानना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। आपके दिसंबर के सेमेस्टर एग्जाम ओवर हो गए हैं, अगर कहीं इंडियन पिनल कोड किसी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है जहां सिलेबस आपको नए तरीके से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, या फिर नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है, या आपने पुराना लॉ पढ़ा है, आपको बस आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में आपने इंडियन पिनल कोड पढ़ा है, तो अब आपको ये लॉ पढ़ना पड़ेगा। और ये दून लॉ मेंटर की जो लेक्चर सीरीज है, डेली आपको 30-35 मिनट्स आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बेसिक लेवल से चलेंगे हम, जिस तरीके से हमारे माइंड के अंदर पुराने लॉ के सेक्शन नंबर सेट हो चुके हैं ना, उनको अब हमें हटाना है। हाँ, टास्क मुश्किल है, बट वी विल डू इट। सो विद दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट, आई एम जस्ट स्टार्टिंग द वीडियो एंड स्टार्टिंग द लेक्चर सीरीज, BNS 2023 लेक्चर सीरीज। एक बात और, जब भी आप इस लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए और आपका पेन चलता रहना चाहिए। मैं नए लॉ के हिसाब से आपको बहुत सारे केस लॉज को भी डिस्कस करेंगे जो पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, बट नए लॉ को मद्देनजर रखते हुए इन केस लॉज को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। और सेक्शंस की जहां तक बात है, आपको सेक्शंस को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करना है। एक बच्चा, एक लॉ स्टूडेंट क्या और गलती करता है कि वो बड़ी बड़ी बुक्स की तरफ जाता है, मगर आप यकीन मानिए कि जो बुक्स निकली हैं वो कहां से आई हैं, आपकी बेयर एक्ट से आई है। द डे यू अंडरस्टैंड द बेयर एक्ट प्रॉपरली, यू विल राइट योर ओन बुक्स। और देखिए, ये जो BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 आया है, ठीक है, इसके ऊपर अब बुक्स जल्दी जल्दी आएंगी। कहां से आएंगी? वो इसी के बेस पर आएंगी, नए सेक्शंस पर। सो योर फोकस शुड बी ऑन न्यू लॉ, पुराने लॉ के सेक्शन नंबर भूल जाइए, कोई नहीं पूछने वाला आपसे एग्जाम्स में। सो विद दिस आई एम टुडे स्टार्टिंग दी भारतीय न्याय संहिता 2023 लेक्चर सीरीज। हो सकता है कि इस लेक्चर सीरीज के दौरान आपको लगे कि सर ये तो हमें पता है, ये तो रिपीटिशन हो रहा है। स्लो स्लो चलेंगे क्योंकि
आपके माइंड में नए सेक्शन नंबर, उनके अंदर क्या दिया हुआ है बिल्कुल फिट करवाना है, सेट करवाना है, और आपके लॉ एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर भी कराना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आपको नया बियर एक्ट कहाँ मिलेगा। कल हम देख रहे थे, अगर जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कि आपको नए लॉ का बियर एक्ट मिल गया है या नहीं। देखिए, भारतीय न्याय सेकंड संहिता का नहीं लेना है आपको, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो जिसको प्रेसिडेंट ने असेंट दिया है, अगर वो नहीं मिल रहा है आप ऐसा कर सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट से उस लॉ को निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं एक छोटा सा और आसान तरीका बताता हूं। फटाफट से दून लॉ मेंटर की वेबसाइट या एंड्रॉयड ऐप पर चले जाइए, दून लॉ मेंटर की इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा, दून लॉ मेंटर की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आप फटाफट से हमारे जुडिशरी मास्टरी कोर्स के अंदर आ जाइएगा, आपको कहीं नहीं जाना है, अल्टीमेट जुडिशरी मास्टरी कोर्स है ये। इसके अंदर नीचे आएंगे तो आपको भारतीय न्याय संहिता का दिख जाएगा, जहां पर बेयर एक्ट ये आपको सबको फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ डेमो लेक्चर्स भी यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर आने के बाद सीधा एक्सरसाइज फाइल में चले जाइएगा और ये भारतीय न्याय संहिता नए वाला आपका अपलोड हो चुका है। चलिए अब फटाफट से इसकी तरफ आते हैं, नए कानून की तरफ। कल एक चीज थी कि जिन बच्चों ने लाइव थे जब हम कमेंट किए थे तो हम उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अभी हमने YouTube के हिसाब से नया सेटअप किया है, तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। अब आपका कोई अगर कमेंट आएगा, कोई सुझाव आएगा, कोई सवाल आएगा तो उसको हम होपफुली लाइव क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिए, सबसे पहले गैजेट नोटिफिकेशन है और पब्लिश्ड बाय किसकी अथॉरिटी से, सरकार की से है। किस दिन पब्लिश हुआ है, 25 दिसंबर 2023 जिस दिन प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया है। आप इस पे जाएंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस 25 दिसंबर 2023, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 25 दिसंबर 2023। वीडियो लेक्चर लेक्चर सीरीज शुरू करने से पहले जिस भी स्टेट में जुडिशरी के एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक नंबर का सवाल आता है, आपका एक नंबर पक्का करवा रहा हूं, और जहां पर चार नंबर का सवाल आता है वहां चार नंबर पक्के करवा रहा हूं। बहुत एग्जाम में पूछी जाएगी कि किस दिन डेट प्रेसिडेंट साहब का असेंट मिला था नए कानून को, तो डेट नोट कर लीजिए 25 दिसंबर 2023। एक सेकेंड, हां जी, 25 दिसंबर डेट 25 दिसंबर 2023 इज द डेट ऑफ असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए हमारे यहां पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है कि दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास करते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट असेंट देते हैं। प्रेसिडेंट के असेंट देने के बाद या तो लॉ तुरंत के तुरंत एप्लीकेबल हो जाता है, या फिर एक सेकेंड ऑप्शन होता है जिसके पास सरकार के पास पावर होती है कि लॉ किस दिन से इंप्लीमेंट होगा, वो डेट गवर्नमेंट के पास नोटिफिकेशन नोटिफाई करने की पावर होती है, और वही चीज यहां पर भी इस लॉ के अंदर भी गवर्नमेंट ने अपनी उस पावर को रिजर्व किया है और बहुत ही जल्दी ये लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसका रीजन क्यों है कि ये बहुत जल्दी नोटिफाई किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इसकी आने वाली है, एक दो दिन के अंदर आ जाएगी। देखिए क्योंकि इस लॉ को जल्दी से फटाफट से दोबारा से इंट्रोड्यूस कर लिया था पार्लियामेंट में और इसी सेशन के अंदर पार्लियामेंट से पास करा के प्रेसिडेंट से असेंट भी ले लिया है, तो मान के चलिए नए साल से पहले आपको इसका इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल जाएगा, जो भी आने वाले एग्जाम है वहां आपको मिलेंगे, और फटाफट से अपना एक नंबर या चार नंबर जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपियर होते हैं वो पक्का कर लीजिए। अब एक्ट 45 है 2023 की, पुराना लॉ कब उसको कब प्रेसिडेंशियल असेंट मिला कोई नहीं पूछने वाला, कौन से सेक्शन के अंदर उसमें क्या था कोई नहीं पूछने वाला, तो मैं उन चीजों पर टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा, आपको बहुत ब्रीफ तरीके से पिन पॉइंट करके, हाँ मेरे को कहीं अगर आपको थोड़ा बहुत इशारा या थोड़ा बहुत बताना होगा तो आई विल श्योरली टेल यू अबाउट दोज थिंग्स विच वर देयर इन दी
ओल्ड लॉ. गॉट माई पॉइंट? अब बात आती है कि हमारे इस लॉ का पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. कोई भी कानून आता है तो उसके ऑब्जेक्ट एंड रीजन को जानने का, ऑब्जेक्ट को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है लुक एट द प्रीएम्बल ऑफ द कंसर्न स्टैट्यूट. लुक एट द प्रीएम्बल ऑफ द कंसर्न स्टैट्यूट. ये क्या कहता है? दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट. कंसोलिडेट का मतलब क्या करना होता है? इकट्ठा करना. कंसोलिडेट एंड अमेंड. अमेंड का मतलब क्या होता है? सुधार करना. बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा बेटा, मगर तैयारी ऐसी करा दूंगा मजा आ जाएगा. अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर. तो इंसिडेंटल मतलब उनसे मिलते जुलते. बेसिकली जहां तक इस लॉ के ऑब्जेक्ट की बात है, इसके पर्पज की बात है, वो हमें प्रियम्बल से ये पता चलता है कि इसका पर्पज इकट्ठा करना है, कंसोलिडेट करना है और सुधार करना है, अमेंड करना है. किसको? प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेरियस ऑफेंसेस एंड एट द सेम टाइम मैटर्स कनेक्टेड देयर टू, उनको भी इकट्ठा करना है. हाँ, ये और बात है कि वाई वी हैव बॉट दिस लेजिस्लेशन, बिकॉज दी हम हमेशा से कहते रहते थे कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी कानून छोड़ गए. एंड चाहे वो हमारा इंडियन पिनल कोड हो 1860 पुराने वाला, जो अब रिपील हो चुका है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के अंदर अंग्रेज लेके आए थे, उसके बाद 1973 में भी उसके वही हाल थे थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराने वाला था 1872 का. एवरी लेजिस्लेशन वॉज ब्रॉट अप बाय हुम? ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आए थे, उनकी फिलॉसफी क्या थी? दे हैव टू सप्रेस द इंडियन पीपल. हमें उभरना नहीं देना चाह रहे थे, तो इसीलिए कानून ऐसे दे गए. और ये जो कानून थे समय के साथ बहुत ही ऑब्सोलीट हो गए थे, वो अपना मायना खो चुके थे, तो इसलिए उनको बदलना भी बहुत जरूरी था. दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई वी हैव बॉट दिस लेजिस्लेशन. अभी एक और ऐसा कानून है जिसको बदल जाना चाहिए, क्रिमिनल नेचर का ही है, अंग्रेजों का दिया हुआ. हम बात करते हैं मैत्री पुलिस की, फ्रेंडली पुलिस की, मगर होती नहीं है. रीजन बीइंग द पुलिस सिस्टम इन एंटायर इंडिया इज प्रेजेंटली रेगुलेटेड बाय विच लॉ? इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861. उसको भी ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे. यही कारण है कि एक नॉर्मल पर्सन पुलिस थाने में जाने से डरता है. आई होप गवर्नमेंट विल समडे डेफिनेटली चेंज दिस लॉ ऑल्सो. गुड इवनिंग ऋषभ, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सो ये आपका प्रीएम्बल का जो ऑब्जेक्ट एंड रीजन है ये है. आगे चलिएगा, आपका एक सवाल मैंने पक्का करा दिया है. बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. चैप्टर वन पे आइए, प्रिलिमिनरी के अंदर. इसमें आपको मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज दिखाने वाला हूं, जो आपने शायद ही कहीं और पढ़ा होगा या कहीं और लिखा हुआ मिला होगा आपको व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द चेंजेस इन द न्यू क्रिमिनल लॉज. जब आप पहले ही सेक्शन को देखते हैं, सेक्शन वन सब सेक्शन वन क्या कहता है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023. इसमें तो आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए. इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंटेड एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता. सब सेक्शन टू को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. आपने एक चीज नोटिस की? क्या किसी और ने नोटिस की? पुराने लॉ के अंदर सेक्शन वन के अंदर ही यह लिखा हुआ था कि दिस एक्ट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया और 2019 से पहले, जब तक जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, उससे पहले लिखा रहता था दिस एक्ट अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर.
हाँ, जब से स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा, उस दिन के बाद से वहां पे क्या लिखा, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे, अब ये वाली लाइन इस लॉ के अंदर क्यों नहीं मिली है, किसी ने सोचा? रीजन क्या है? आईपीसी आपका जनरल पीनल लॉ ऑफ इंडिया है। अरे भाई, जनरल पीनल लॉ ऑफ इंडिया है तो जिस टेरिटरी पे वो पहले अप्लाई नहीं होता था उसको तो ऑलरेडी 2019 में हमने हटा दिया है, तो उस लाइन को अब लिखने का कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई लेजिस्लेचर हैज नॉट इंक्लूडेड दैट पर्टिकुलर लाइन, दैट दिस लॉ विल अप्लाई ओनली टू, दिस विल लॉ विल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। इस लाइन का अब कोई महत्व ही नहीं है भाई, जनरल पीनल लॉ है, दैट विल बी एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू फॉलो इट। गॉट माई पॉइंट? नाउ कमिंग टू द सबसेक्शन टू, इट सेज दैट इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। किसी भी कानून के पास होने के बाद पार्लियामेंट से, प्रेजिडेंट के असेंट के बाद, सरकार के पास पावर है कि वो चाहे तो एक स्पेसिफिक डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकती है। यहां भी वही किया गया और सरकार उस पावर को निर्वहन करते हुए बहुत ही जल्दी हमें लगता है कि इस लॉ की डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ले आएगी। ठीक है, एक चीज और बोली गई है इसके अंदर, डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ऐसा एक सरकार को एक और एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है कि पूरे लॉ को एक बार में इंप्लीमेंट करने में अगर हिचकती है सरकार या कोई इश्यू आता है, देन इन दैट केस डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ मे बी अपॉइंटेड ऑन डिफरेंट डेट, मे बी अपॉइंटेड ऑन डिफरेंट डेट्स। इज इट क्लियर? यहां तक आप समझे? चलिए अब आगे। ये आपका सेक्शन नंबर वन था, इसके अंदर ऐसा सेक्शन नंबर वन का सबसेक्शन थ्री देखिएगा। बेसिकली जो आपका सेक्शन नंबर वन है इसके अंदर आपको और क्या मिल रहा है पुराने लॉ से डिफरेंट? पुराने पूरे के पूरे सेक्शन वन को जो पुराने लॉ के अंदर सेक्शन 1 to 5 दिया हुआ था वो सारे को कंसोलिडेट करके सिर्फ सेक्शन नंबर वन के अंदर डाल दिया है। कहीं ना कहीं सेक्शंस को कम करने की तरफ ये एक सकारात्मक कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है लेजिस्लेचर का। अब सब सेक्शन थ्री क्या कहता है सेक्शन वन का? एवरी पर्सन शेल बी लाइबल। अब आप सोचेंगे सर केस लॉ वगैरह इस पे क्या? बेटा ये स्टार्टिंग के प्रोविजन है, इसके अंदर आपको कोई केस लॉ वगैरह नहीं मिलेगा। क्या बताएं इसके अंदर कि दिस लॉ विल बी कॉल्ड एज भारतीय नागरिक, भारतीय न्याय संहिता 2023, या फिर ये पूरे लॉ पूरे इंडिया के ऊपर अप्लाई वाला पॉइंट नहीं है इसके अंदर, या फिर गवर्नमेंट इसको डेट नोटिफिकेशन का किसी भी दिन निकाल सकती, इंप्लीमेंट करने की को किसी भी दिन कर सकती है। तो स्टार्टिंग के जो ये प्रोविजन है यहाँ पर कोई केस लॉ नहीं मिलेगा, जनरल डिस्कशन मिलेगा। बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे आपको काफी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। देखिए क्या लिखा है, एवरी पर्सन, सब सेक्शन थ्री की हम बात करेंगे, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू इंप्रिजनमेंट टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। दिस टॉक्स अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, ये क्या कह रहा है कि अगर एवरी पर्सन, हर इंसान, देखिए वर्ड पर्सन यूज है, सिटीजन यूज नहीं है, तो दिस मीन्स दिस एक्ट अप्लाइज टू एवरी पर्सन वेदर ही इज अ सिटीजन और नॉट। एवरी पर्सन शैल बी इवन, आप इससे समझ सकते हैं जैसे पुराने लॉ के अंदर दैट वाज आल्सो एप्लीकेबल ऑन फॉरनर्स, इन द सेम सेंस दिस लॉ विल बी आल्सो आल्सो इज विल बी एप्लीकेबल ऑन द फॉरनर्स, वेदर द सिटीजन ऑफ इंडिया या कोई बाहर का है या कॉर्पोरेट पर्सन है, वो सारी चीजें उन पर भी लगी। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ। देयर ऑफ का मतलब दिस BNS 23, भारतीय न्याय संहिता, सब सेक्शन थ्री सेक्शन वन का ये कह रहा है कि हर इंसान लायबल होगा पनिशमेंट अंडर दिस कोड इफ ही डज एनी एक्ट और ओमिशन
जब भी वर्ड ओमिशन आएगा तो आप इसको समझ के चलिएगा, ओमिशन मीन्स हियर द इलीगल ओमिशन, इलीगल ओमिशन, ठीक है। और वो एक्ट और इलीगल ओमिशन भी कैसा होना चाहिए, विच इज कंट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, देन इन दैट केस ही शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज। अगर उसने कोई ऐसी एक्ट की है या फिर इलीगल ओमिशन किया है विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, देन इन दैट केस ही विल गेट पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू दिस कोड। फिर आपके मन में माइंड आएगा कि सर स्पेशल लॉ वगैरह का क्या होगा, जैसे टाडा है, पोटा है, या करप्शन एक्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा ये जनरल पिनल कोड है, जो हमारा नॉर्मल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है। नॉर्मल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। तो जो आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है या और कोई जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, वो हमेशा इसको सुपरसीड करेगा ही, जनरल पिनल लॉ को सुपरसीड करेगा ही। उसके बारे में भी प्रोविजन दिया गया है ऑब्वियसली, इसके अंदर वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी तक अगर आपको वीडियो, पहले तो ये बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और समझ आ रही है चीजें या नहीं आ रही है, या आपको और सिंप्लीफाई करूं, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कैसा लग रहा है। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ कि नई लेक्चर सीरीज शुरू हुई है। अब सब सेक्शन 4 पर आइएगा। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऐसा ऑफेंस जो कंसर्न्ड पर्सन ने इंडिया के बाहर कमिट किया है, उसके रेफरेंस में बात हो रही है। मींस एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात हो रही है। बियॉन्ड इंडिया शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच एक्ट हैड बीन कमिटेड इंडिया। अगर कोई इंसान लायबल है, इंडिया के अंदर कोई भी लॉ है उसके अंदर लायबल है, और वो कैसा लॉ होना चाहिए, इन फोर्स होना चाहिए इंडिया के अंदर, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस, कैसा ऑफेंस है जो उसने कहीं इंडिया के बाहर किया है, ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस का कमीशन कहाँ हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड दिस संहिता for any act committed beyond India in the same manner as if the act had been committed। ये मान लिया जाएगा कि उसने concerned act भारत के अंदर ही की है, इस तरीके से उसको punishment दी जाएगी। So, अब आपसे नए law के हिसाब से judiciary में exam में सवाल पूछा जाएगा, कौन सा provision intra territorial operation की बात करता है, कौन सा extra territorial operation की बात करता है। तो लिख लीजिए, चार नंबर और पक्के कर लीजिए एक सवाल के। सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, अभी तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 भी बाकी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, सबसेक्शन 5 क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। जो इस संहिता के प्रोविजन हैं, वो किस पर और अप्लाई होंगे, अगर कोई ऑफेंस कौन कमिट कर रहा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कोई भी भारत का नागरिक। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मीन्स आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया, आउटसाइड द jurisdiction of India। Thank you Rishabh, thank you। Any citizen of India in any place without and beyond India, अगर कोई भारत का नागरिक
भारत के बाहर कोई क्राइम कमिट कर देता है जिसके रिगार्डिंग प्रोविजन इस नए भारतीय नागरिक सॉरी न्याय संहिता के अंदर है, तो बीच बीच में हो सकता है कि मैं गलत लेजिस्लेशन का प्रोनाउंसमेंट कर दूं, तो हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, तो इग्नोर कीजिएगा कि सर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोल दिया। बेटा मैं भारतीय न्याय संहिता ही पढ़ा रहा हूँ, और हो सकता है कि इस लॉ को डिस्कस करते टाइम कई बार मुझसे भी गलती से पुराने लॉ का ही जिक्र हो जाए, इंडियन पिनल कोड बोल दूँ, तो उसको बियर कीजिएगा। जिस तरह आपको परेशानी होती है, हम टीचर्स को भी परेशानी होगी इस नए, और देखिएगा कोर्ट में आपको बड़े मजे आएंगे केसेस में आने वाले टाइम में, बहुत गलतियां होने वाली हैं क्योंकि हमारे माइंड में सेट है प्रोविजंस 375 रेप, 378 थेफ्ट, 302 मर्डर, 299 कल्पेबल होमिसाइड, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये वो प्राइवेट डिफेंस, सारी चीजें सेट है। वो सेक्शन नंबर बिल्कुल हमसे कोई नींद में गहरी नींद में जगा के भी पूछ लेगा ना, हम तब भी बता देंगे पुराने लोग के, मगर अब वो कोई काम के ही नहीं है, याद तो नए वाले रखने हैं ना। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल बी अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। बी के अंदर क्या कहता है, एनी पर्सन, अब पर्सन आ गया यहां पर, सिटीजन नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अगर कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई वेसल है जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर अगर कोई क्राइम करता है, उसके ऊपर अगर कोई क्राइम करता है, देन इन दैट केस वो भी भारतीय नागरिक संहिता के हिसाब से लायबल होगा। बच्चे ने लिखा है कि सर हिंदी वर्ड्स का ज्यादा यूज कीजिए। बेटा हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, रीजन बीइंग उसका क्या है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए एक तो ये चीजें होती हैं कि सिर्फ हमें हिंदी मीडियम वाले बच्चे का भी ध्यान में रखना है और इंग्लिश मीडियम वाले का बच्चे का भी ध्यान में रखना है, और आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अपियर होना है। लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, आपको जुडिशियल सर्विसेज के अंदर अपियर होना है, तो आप चाहे हिंदी मीडियम है आप चाहे इंग्लिश मीडियम है, आपको दोनों के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका लैंग्वेज पेपर के अंदर ट्रांसलेशन आती है तो आपको वहां भी हेल्प करती है। हाँ थोड़ा कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर अगर हम इंक्रीज कर पाए तो हम जरूर करेंगे उस चीजों को, बट जो हमारा तरीका है वो यही है। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे, और आपने जो सजेशन दी है वी विल श्योरली टेक दैट इन टू अकाउंट, एंड थैंक्स फॉर द वैल्यूएबल फीडबैक। क्या नाम है, प्रेम, यस थैंक यू। मूविंग फर्दर, थैंक यू कुणाल। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया की बाउंड्री से बाहर है, इंडिया की टेरिटरीज के अंदर नहीं है, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर है मगर वो भारत के किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके कोई एक्टिविटी कर रहा है, मतलब सपोज करो कि किसी ने बाहर से इंडिया की किसी भी वेबसाइट को हैक कर लिया, सरकार की वेबसाइट को हैक कर लिया या किसी और वेबसाइट को हैक कर लिया, देन इन दैट केस द पर्सन कंसर्न्ड विल बी लायबल अंडर दिस प्रोविजन ऑल्सो। गॉट माई पॉइंट? एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्या कहती है, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। ऑफेंस के अंदर जो ऑफेंस का एक्सपेंशन है, ऑफेंस का मीनिंग है, उसको इंक्रीज कर दिया है, उसको एक्सपैंड कर दिया है, और उस एक्सपेंशन में क्या बताया गया है, ये बोला गया है कि जो वर्ड ऑफेंस है इस सेक्शन के अंदर, उसके अंदर वो चीज इंक्लूड होगी, एनी एक्ट विच इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे वो
जहां वो क्राइम कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है, उस टेरिटरी के अंदर ऑफेंस हो ना हो, अगर वही एक्ट इंडिया के अंदर की जाती, देन इन दैट केस इट विल डेफिनेटली बी एन ऑफेंस. ठीक है, दिस इज बीइंग प्रोमल्गेटेड बाय दिस एक्सप्लेनेशन. सेक्शन वन इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है. कोई डाउट है तो बेटा एक बार पूछिएगा, अदरवाइज 10:33 हो रहे हैं, आज का टाइम हमारा पूरा हो चुका है. आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा और आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, आपकी आईपीसी की बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है. थोड़ा स्लो चलेंगे, हाँ अगर आपको फास्ट तरीके से तैयारी करनी है, देन इन दैट केस 1 जनवरी 2024 से हमारा फ्रेश बैच शुरू हो रहा है, और हमारे जो पुराने स्टूडेंट भी थे जिनको हमने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ा चुके हैं, उनके लिए भी, उनको भी इस नए बैच में, नई क्लासेस में पूरा नया लॉ पढ़ाया जाएगा. 1 जनवरी 2024 से एपीओ का और जुडिशरी का हमारा इंडियन पिनल कोड की जगह बदलकर जो भारतीय न्याय संहिता कानून आया है, इसकी लाइव क्लासेस बड़े अच्छे से डिटेल्ड में, बहुत ही डिटेल में उस को उन कोर्सेज के अंदर होंगी. और वो क्लासेस मॉर्निंग में होंगी, इवनिंग में जो उन बच्चों की रेगुलर क्लासेस चलती हैं 4 to 7, वो ऑलरेडी वो भी चलेंगी, और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आइदर 6 or 7 से 2 घंटे की मॉर्निंग में नए कानूनों पर क्लासेस होंगी. और कोर्स को कैसे ज्वाइन करें, तो दून लॉ मेंटर आपके पास नाम है, गूगल पर सर्च करिए, वेबसाइट हमारी दून लॉ मेंटर के नाम से .com पर आ जाएगी, dunlawmentor.com, और गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एंड्रॉयड ऐप है. आप अपनी फीडबैक, ये तो हो गई कोर्स की बात, मगर अभी हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं, और आप इस टेस्ट सीरीज से, लेक्चर सीरीज से बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. केस लॉस को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, आपको मजा आ जाएगा. जो हमारा केस लॉ पढ़ाने का तरीका है, कहानी की तरह पढ़ाते हैं हम. चलिए, थैंक यू, थैंक यू, गुड इवनिंग. विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल. अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा.